हमारी पर्सनालिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये हमारे पर्सनालिटी में एक स्टाइल स्टेटमेंट ऐड करते हैं। और अगर हमारे हेयर हेल्दी हैं तो हम लेटेस्ट ट्रेंड, फैशन, मूड, चॉइस, इन सब के हिसाब से अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है हेल्दी हेयर, और हेल्दी हेयर के लिए इनकी केयर करना जरूरी है। हेयर की केयर करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। हेयर के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हेयर स्ट्रैंड के अंदर तीन लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को मेडुला बोलते हैं, उसके बाहर वाली लेयर को कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर वाली लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं। हेल्दी हेयर मेंटेन करने के लिए कॉर्टेक्स और क्यूटिकल का हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉर्टेक्स हमारे हेयर के थिकनेस और कलर को डिसाइड करता है, और क्यूटिकल हमारे हेयर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप हो। तो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स आपस में जुड़ी रहती हैं, और इनको जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में एक सीमेंट जैसी लेयर होती है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स हेल्दी होती है तो इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से टाइटली बांध के रखती है। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं कि हमारे सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स से बहुत सारा कंपोनेंट बाहर निकलता रहता है। थोड़ा सा भी फ्रिक्शन होता है, अगर हवा लगती है बालों में, जब भी हम बालों में कॉम्ब करते हैं, पिलो पे सोते हैं, टॉवल से साफ करते हैं, थोड़े से भी फ्रिक्शन से हमारे बालों से सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स के कॉम्पोनेंट्स निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कॉर्टेक्स और क्यूटिकल की जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और जब ये सीएमसी का बहुत सारा कंपोनेंट बाहर निकल जाता है और उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, तो एक टाइम ऐसा होता है जब ये क्यूटिकल और कॉर्टेक्स की जो बॉन्डिंग है वो बहुत कमजोर हो जाती है, और ये क्यूटिकल और कॉर्टेक्स अलग अलग हो जाते हैं, और ये हमें दिखाई देते हैं स्प्लिट एंड्स के रूप में। तो अगर हम चाहते हैं हेल्दी हेयर मेंटेन करना, तो सिर्फ क्लीनिंग और कंडीशनिंग एनफ नहीं होता, बालों की रिपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखेंगे कि बालों की रिपेयरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग तो करते हैं, लेकिन जो चीज मिसिंग है वो है रिपेयरिंग, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो मिल जाते हैं लेकिन डैमेज अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। और हम सोचते हैं कि हम तो इतनी अच्छी केयर कर रहे हैं, फिर क्या रीजन है कि डे बाय डे मेरे हेयर डल और रफ होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत है एक ऐसे प्रोडक्ट की जो क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग के साथ साथ रिपेयरिंग भी करता हो। और मेरे पास है कंप्लीट हेयर केयर सॉल्यूशन सैटिनिक रेंज। तो आइए देखते हैं सैटिनिक रेंज के यूनिक फीचर्स और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। सैटिनिक रेंज के अंदर है पेटेंटेड एनर्जीव कॉम्प्लेक्स, और ये एनर्जीव कॉम्प्लेक्स स्पेशल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को मिलाकर के बनाया गया है। इसके अंदर है क्रिएटिन प्रोटीन। क्रिएटिन प्रोटीन बेसिकली हमारे बालों पे बिल्ड होने वाले नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि जब भी हम अपने बालों की क्लीनिंग करते हैं तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज उन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से हमारे बालों में ट्रांसफर हो जाता है। और कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं उस टाइम तो हमें अपने बाल स्मूथ एंड सिल्की नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो सूखते हैं वो ड्राई और फिजी हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारे बालों में नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है तो हमारे हेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और हमारे बाल फिजी हो जाते हैं। क्रिएटिन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो हमारे बालों पे बिल्ड होने वाले नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जब हम इसे यूज करते हैं तो हमारे बाल फिजी नहीं होते। दूसरी चीज इसके अंदर है स्पेशल सिरेमाइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। ये हमारे क्यूटिकल के अंदर जाते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स को रिपेयर करते हैं, और जिसकी वजह से क्यूटिकल और कॉर्टेक्स के बीच का जो ग्लू है
उसको रिपेयर करके ये बालों को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर स्पेशल लिपिड्स 18 MEA है, जो कि स्पेशली हमारे बालों के अंदर पाए जाते हैं। 18 MEA हमारे बालों की स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और बालों की शाइन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से एनर्जी कॉम्प्लेक्स हमारे बालों को अंदर से लेके बाहर तक हर एक लेवल पे रिपेयर करने का काम करते हैं। सैटिनिक हेयर केयर रेंज एक कंप्लीट हेयर केयर सॉल्यूशन है, जहां पर आपकी डे टू डे नीड्स और स्पेशल नीड्स के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे टू डे नीड्स से, जिसके लिए आप सैटिनिक 2-in-1 यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों हैं। लेकिन अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई और फिजी हैं, तो आप ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर को भी यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों को एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। ये दो प्रोडक्ट्स आप डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे बालों को वीकली कुछ एक्स्ट्रा नरिशमेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए हम सैटिनिक रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क को यूज कर सकते हैं, जो आपके बालों की डीप नरिशमेंट करता है। यहाँ तक कि अगर आपके स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, सैटिनिक रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क आपके स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करता है और उनको रिवर्स करता है। तो अगर आपके बाल 2 मुहे हो चुके हैं, तो अब आपको उन्हें कटवाना ही सोल्यूशन नहीं है। आप अगर सैटिनिक रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क यूज करते हैं, तो आपके बालों को ये रिपेयर कर देता है। आजकल के दिनों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल, और हेयर फॉल के 2 रीजंस होते हैं, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और दूसरा हेयर डैमेज। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं, और सप्लीमेंटेशन में हमें सबसे ज्यादा फोकस आयरन सप्लीमेंटेशन के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि 72% केसेस में हेयर फॉल आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके साथ ही साथ चूंकि हमारे बाल प्रोटीन से बने हुए हैं, तो इसलिए सप्लीमेंटेशन में आयरन और प्रोटीन इन दोनों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब देखते हैं हेयर डैमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं। हेयर डैमेज के लिए हमें थोड़ी स्पेशल केयर करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू आपके बालों में डैमेज साइट्स को सर्च करता है और वहां पे टारगेटेड ट्रीटमेंट का काम करता है। तो इस तरीके से आपके बालों में जो डैमेज है उसको रिपेयर करता है। इसके साथ ही साथ इसके बाद हम यूज करेंगे ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर को, जो आपके बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेयर के स्ट्रैंड्स पे काम करते हैं। लेकिन हेयर फॉल सिर्फ स्ट्रैंड्स का कमजोर होने की वजह से नहीं होता है, और शुरुआत में जब हेयर फॉल होता है, तो आप देखते हैं कि आपके घर में इधर उधर हर जगह आपको आपके बाल नजर आते हैं, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि आपको आपकी स्कैल्प नजर आने लगती है, और तब हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। और हमें इसको कंट्रोल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है अपने बालों की रूट्स के ऊपर वर्क करना, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं सैटिनिक स्कैल्प टॉनिक को। इसको हम अपने स्कैल्प के ऊपर यूज करते हैं, और ये आपके बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और साथ ही साथ सैटिनिक स्कैल्प टॉनिक आपके हेयर की डायमीटर को बढ़ाता है, यानी टोटल आपके हेयर की थिकनेस को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, तो आपके हेयर की थिकनेस बढ़ती है, आपके हेयर का वॉल्यूम भी बढ़ता है। और इन सब के साथ साथ हफ्ते में एक बार हमें अपने बालों की डीप नरिशमेंट के लिए सैटिनिक रिवाइटलाइजिंग मास्क को भी यूज करना चाहिए। हेयर कलर्स आज की डेट में नीड एंड फैशन स्टेटमेंट दोनों है, और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग अपने हेयर को कलर करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हेयर कलर्स की वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होती है? हेयर कलर्स को ऐसे बनाया जाता है कि वो आपके कॉर्टेक्स और क्यूटिकल के बीच के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो
क्योंकि तभी वो हेयर कलर पेनिट्रेट होके आपके कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा और तभी वो वहां पे स्टे करेगा। और इसीलिए हम अपने बालों को कलर तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ डैमेज भी कर लेते हैं। अपने बालों को कलर करिए, लेकिन अगर अपने बालों को रिपेयर भी कर लेंगे तो आपके बाल ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। ये स्पेशली कलर ट्रीटेड हेयर के लिए है। ये आपके बालों में कलर की वजह से होने वाली सारी डैमेज को रिपेयर करता है। और साथ ही साथ जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कलर करते हैं उसके बाद हर एक वॉश में आपके बालों का कलर डल होता जाता है। अगर आप ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू को यूज करते हैं तो ये आपके बालों के कलर को प्रोटेक्ट करता है और आपका हेयर कलर ज्यादा समय तक स्टे करता है। इसके साथ ही साथ यूज करना है ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर को, क्योंकि ये एडिशनल रिपेयरिंग करता है और साथ ही साथ आपके बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। और वीकली वंस आपको यूज करना है हेयर रिवाइटलाइजिंग मास्क, क्योंकि ये आपके बालों को डीप नरिशमेंट करता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और अगर आप उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है और डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करता है। इसके साथ ही साथ यूज करना है ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर और बेहतर रिजल्ट्स के लिए यूज करना है रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क को हफ्ते में कम से कम एक बार। तो हमने देखा कि हमारी डेली नीड्स से लगाए स्पेशल नीड्स सारे तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और इन सब के साथ अगर आप अपने बालों का स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, बालों को किसी खास तरीके से स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप सैटिनिक स्टाइलिंग जेल को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे सब तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर इंश्योर करें कि हर रोज शैम्पू कंडीशनर जरूर करें और हफ्ते में एक बार मास्क जरूर लगाएं, ताकि आपके बाल हेल्दी शाइनी स्मूथ एंड सिल्की बने रहें और आप उनको किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकें।